पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में क्रिकेट प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं क्रिकेट प्रतिभागियों के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मैच भी होते रहते हैं। वहीं आज इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और DRM ने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन रेलवे स्टेडियम में किया और कार्यक्रम को संचालित करने वाली समस्त टीम को बधाई प्रेषित की। उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, पिछले दो सालों से लगभग हम लोग कोविड से जूझ रहे थे और इस तरह के आयोजन काफी कम हो गए थे। मैं आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, गोपी कृष्ण जी के लिए, नावेद जी के लिए और अपनी पूरी टीम, इनके साथियों के लिए। इन लोगों ने इस आयोजन को परंपरागत रूप से जो है होता रहा है, इसको आयोजित कर रहे हैं। मैं खिलाड़ियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा यहां क्रिकेट मैच लोगों को देखने को मिलेगा और खिलाड़ियों को यहां बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। रेलवे विभाग का मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने इस स्टेडियम को प्रयोग करने की अनुमति दी। अपना सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सभी खिलाड़ी जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। यह बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे, जिसमें इस तरह के एक आयोजन की शुरुआत हमारे मंडल में हो रही है और पहले पिछले दो साल से जो नहीं हो पाया था वो अब इस बार होने जा रहा है। अभी मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देता हूँ कि जो सबसे अच्छा अपना खेल का प्रदर्शन करें, खेलें और सबसे अच्छा खेल का प्रदर्शन करने का ड्यूटी निभाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।